बट हाँ एक चीज़ जो मैं एकदम सीरियस कहना चाहूँगा कि मुझे लगता था कि व्लॉग बनाना बड़ा आसान। स्टार्ट हो गया। हाँ सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ऑल वेल होंगे, सब ठीक होंगे। सो काफ़ी टाइम बाद दोबारा वीडियो आई है ऑन फेस कैम वीडियो। मेरा पहला व्लॉग है, मतलब पहला नहीं, पहले भी काफ़ी व्लॉग्स आए हैं बट काफ़ी टाइम बाद पहला व्लॉग आया। तो जो भी मेरे चैनल से जुड़े होते हैं उनको सबको पता है कि मेरे चैनल पर कैसी अपडेट्स आती हैं। म्यूज़िक के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आए वो आपको मिलती रहेंगी अब टाइम टू टाइम, और ऐसे ही ब्लॉग्स आपको अब डेली देखने को मिलते रहेंगे। और मैं जहाँ जहाँ न्यू प्लेस में जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा, वो चीज़ मैं आपको भी दिखाऊँगा। और आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो भी चीज़ आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। अब चल दिए हैं एग्ज़ाम की तरफ। तो आ गए हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, अब रोल नंबर ज़रा चेक कर लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इनको रोल नंबर सेट करने चाहिए थे। एक रोल नंबर यहाँ लगा रखा, एक उधर लगा रखा और एक इधर लगा रखा इधर, मतलब चार दिशा, चारों दिशाओं पे एक एक, कमाल है। कि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ उसका भी आपको व्यू दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखिए एग्ज़ाम सेंटर मेरा यहाँ पड़ा है, तो व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। बेसिकली ये कोई ग्राउंड ही है, वॉलीबॉल का कह सकते हैं आप इसको, आराम से यहाँ पे खेला जा सकता है वॉलीबॉल। बट हाँ एक चीज़ जो मैं एकदम सीरियस कहना चाहूँगा कि मुझे लगता था कि व्लॉग बनाना बड़ा आसान है, जस्ट कैमरा ओपन करो और जो मर्जी बोल दो, जो काफ़ी ब्लॉगर्स करते भी हैं। बट जब कैमरा ओपन होता है लिटरली कुछ समझ में नहीं आता माइंड में कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, तो अगर कुछ मिस्टेक लगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। सो अब चल दिए हैं हम, जहाँ से एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अब चलते हैं जहाँ हमें जाना है आज, जहाँ आपको मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। इससे मौसम काफ़ी अच्छा है तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस हम आ चुके हैं राजीव चौक, दिल्ली का दिल जिसको बोला जाता है। पीछे तो प्रोग्राम चल रहा है। अब आप लोगों से आज मैं बात करूंगा, जानना चाहता हूँ कि खतरे में कौन है। जैसे कि आपने देखा कुछ चल रहा है, बट कई लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड की स्क्रिप्ट बहुत खराब होती है, बट नहीं, उससे भी ज्यादा स्क्रिप्ट बहुत सारी चीजों की खराब होती है। जैसे कि आपने नहीं चाहिए, महंगाई चाहिए लेकिन विकास चाहिए। सर मेरी बात सुनो, आप जिस परिवार से बिलोंग करते हो आप भी कमा के देते हो, आपके माता पिता भी कमाते होंगे, सब कमाते होंगे। एक साइड ही नहीं, यहाँ पर एक साइड तो ये है और दूसरी साइड यहाँ पर देखिए, मतलब एक साइड से दो दो तरफ चल रही है, इसका भी आपको दिखाता हूँ। पर भीड़ यहाँ पर ज्यादा है और इधर से पूरा वार्तालाप होगा, पान कहीं जाएगा नहीं और वार्तालाप खत्म नहीं होगी। गजब है जी। जी आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, हॉस्पिटल के सिलसिले में आया, वाइफ कैंसर पेशेंट है और आप मौका मिलता आपके पास जरूर आता हूँ प्रोग्राम देखने के लिए। थोड़ी देर जब हंस लेते हैं, थोड़ी देर जब मुस्कुरा लेते हैं तो लगता है कि थोड़ा बहुत गम कुछ कम हुआ। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं, पत्नी की बहुत जल्दी सब बढ़िया हो और बहुत जल्दी सब लोग यही एक बार फिर से दिखाई दे, ठीक है? बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी जनाब, मैं करना चाहती हूँ, अभी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, राहुल जी ने जो पहले ही बोला था कि जब भी इनसे विकास के बारे। तो ये है रियल एंटरटेनमेंट राजीव चौक पे, एक तरफ चल रही है कोई सभा, एक तरफ चल रही है कोई सभा, दोनों अपनी अपनी सभाओं में लगे पड़े हैं। पर हमको जहाँ आना था हम वहाँ आ चुके हैं, हम आ चुके हैं बारबेक्यू नेशन सीपी में। यहाँ का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, तो हम जैसे गए हमारे टेबल बुक हो चुकी थी और हमारे लिए स्लैटर भी लग चुका था। सबसे पहले हमारे सामने आए गोलगप्पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 गोलगप्पे हमारे सामने आए स्टार्टर में जो हमने खाए। गोलगप्पे डिसेंट थे, अच्छे थे, टेस्टी थे। उसके बाद हम जैसे देखते हैं हमारा प्रिंट टिक्का आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास कुछ स्टार्टर्स के कुछ और मेन्यूज़ भी आए, साथ ही साथ मैंने एक मॉकटेल भी मंगाई जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्वीट होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें, यहाँ पर सलाद का सामान है सारा और यहाँ पे नॉन वेज है, यहाँ से आपका वेज स्टार्ट है। यह आपका पास्ता दाल मखनी, यह आपका शाही पनीर कह सकते हो उसको, आप कह सकते हो कि वही है, ये कढ़ी और मटर पनीर कह सकते हो, चावल है दो टाइप के, और एक ये है।
सो ये सब इंजॉय करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने घर इंडिया गेट की तरफ से। और ओवरऑल अच्छा था, ठीक था, नॉट गुड नॉट बैड बट एवरेज था, तो बस ठीक था। आप भी जाना चाहें तो आप भी जा सकते हैं, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वन, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।